जय श्री राम। आज मैं आपको अपने घर का एंट्रेंस दिखाऊंगी कि किस तरह से प्लांट्स की हेल्प से मैंने अपने घर के एंट्रेंस को सजाया है, ग्रीन लुक दिया है। इन प्लांट्स की वजह से मैं अपने आप को नेचर के बहुत करीब पाती हूँ। इसीलिए मेरे घर में पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स, पीस ऑफ माइंड बना रहता है। इनकी केयर करना एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, पर इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनको देखना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। जिस तरह मेडिटेशन से हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है, उसी तरह इन प्लांट को देखने से या इनके साथ टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस रिलीज होता है। और इनकी केयर करना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है, एक खुशी की अनुभूति होती है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर नेचर, क्योंकि नेचर ने ही हम सबको बनाया है। ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस। यहाँ पर सेफ्टी पर्पस से एक आयरन गेट लगा हुआ है। अंदर दो दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा मैं यूजली क्लोज रखती हूँ। इस दरवाजे पे मैंने 3 प्लांटर्स रखे हुए हैं, जिनमें जो प्लांट्स लगे हैं वो पुराने हैं, लगभग 3 साल पुराने। ये जो फर्स्ट प्लांट है, ये है क्रोटन गोल्ड डस्ट थिन। ये काफ़ी बुशी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये सेकंड प्लांट जो है, इसे ड्रेसिना महात्मा कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। ये प्लांट दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसके बगल में जो मैंने प्लांट रखा है, ये है सिंगोनियम एरोहेड। ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट के बाद जो प्लांट सबसे कॉमन है वाइन में, वो है सिंगोनियम। ये प्लांट इजली प्रोपोगेट हो जाता है, इसे हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये जो एलिफेंट वाले प्लांटर में मैंने प्लांट लगाया है, मैंने बगल वाले प्लांट से ही कटिंग लेके लगाया है। ये है फिलोडेंड्रॉन जनाडो, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये है जेट प्लांट, जिसे मैंने छोटे से प्लांटर में लगाया है, लकी प्लांट है। और ये है एग्लोनिमा की चाइनीज़ एवरग्रीन, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी पत्तियाँ आर्टिफिशियल लीफ की तरह लगती हैं। एंड ये है ड्रेसिना मार्जिनेटा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड है। और इसके बगल में ही एक छोटे से प्लांटर में मैंने पोथोस मनी प्लांट लगाया है। और एक और पॉट में, खूबसूरत से पॉट में, मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है,
जिसके पंप्स नीचे लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यह है अरेका पाम की ही छोटी वैरायटी, जिसे टेबल पाम या कैमेडेरिया पाम कहते हैं। ये साइज में बड़ा नहीं होता है, इतना ही छोटा रहता है। इसके नीचे है जीजी प्लांट, जेमिकलकस जेमिफोलिया। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। अगेन जेड प्लांट, ये मेरा फर्स्ट जेड प्लांट है। इसी प्लांट की कटिंग से मैंने ढेरों जेड प्लांट बनाए हैं। ये है मेरा मनी प्लांट का कलेक्शन, पोथोस। इन सब मनी प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये है चाइना पाम। इस मनी प्लांट को मैंने लास्ट ईयर ही ग्रो किया है कटिंग से। एंड ये है क्रोटन जंजीबार। इन पोथोस के बगल से ही मेरा मेन डोर है, जिससे मैं घर के अंदर इंटर करती हूँ। ये है मेरे गार्डन का एंट्रेंस। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एंट्रेंस लुक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।